सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल राइड विद मयूर पर। और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ ईवी न्यूज़ के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ईवी न्यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले गाइज, ईवी न्यूज़ निकल के आती है बीएमडब्ल्यू की तरफ से। जी हाँ गाइज, बीएमडब्ल्यू की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिल सकता है। जल्दी मतलब इतना भी जल्दी नहीं जैसे कि अदर इलेक्ट्रिक ब्रांड आ रहे हैं, वैसा नहीं, बस इसमें टाइम लग सकता है। बट ये बीएमडब्ल्यू ने यहाँ पर रिवील किया है कि हम जल्दी इंडियन मार्केट में भी बीएमडब्ल्यू की इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि इसकी टेस्टिंग वगैरह चालू है। एंड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रेंज की बात करें तो 120 किलोमीटर के आसपास रेंज देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर पर के ऊपर ही आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो जीपीएस वाले फीचर जैसे कि जियो फेंस जैसे फीचर्स आते हैं, एंड्रॉयड कनेक्टिविटी या जो भी कुछ फीचर्स आते हैं हाई क्वालिटी वाले हाई लेवल के, वैसे फीचर्स आपको गाइस इस इलेक्ट्रिक बाइक में या इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल सकते हैं। एंड फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन तो आपको नॉर्मली आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद नेक्स्ट ईवी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट ईवी न्यूज़ निकल के आती है गाइस बजाज चेतक की तरफ से। जी हाँ गाइस, बजाज कंपनी की तरफ से जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो गाइस यहाँ पर जो नागपुर में जल्दी अवेलेबल होने वाला। अगर आपको बुकिंग करनी है, अगर आप नागपुर में रहते हो तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, अदरवाइज इनकी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो। नागपुर में इसकी बुकिंग ओपन कर दी गई है एंड जल्दी इसके डिलीवरी वगैरह चालू होने वाले, जो कि इन्होंने इनके इंस्टाग्राम पेज पर एंड ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट किया था कि जो अभी नागपुर में जल्दी आपको यहाँ पर जो है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग की बात करें गाइस तो इसमें दो मॉडल आपको देखने को मिल जाते हैं। जो कि अर्बन मॉडल आता है गाइस वो आता है 1,42,000 रुपीज, एंड जो प्रीमियम वाला आता है नेक्स्ट वाला मॉडल तो वो गाइस आपको 1,44,000 रुपीज में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस गाइस दो तीन बार इसकी प्राइस हाइक हो चुकी है, तो उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो जल्दी इसकी प्राइस भी ड्रॉप हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट ईवी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईवी न्यूज़ गाइस वो निकल के आती है एथर की तरफ से। जी हाँ गाइस, एथर और काफ़ी सारे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपनी आती है वो अपना जो है डीलरशिप बढ़ा रही है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिले हो रहा था, बट रेगुलर जल्दी मतलब ऐसे कुछ अपडेट आ रहे हैं जल्दी, मतलब टीवीएस की आ रही है, बजाज की आ रही है। तो एथर ने भी यहाँ पर जो है तमिलनाडु स्टेट में यहाँ पर जो है ट्रिची कुछ नेम से सिटी है तो वहाँ पर इनकी यहाँ पर डीलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। तो जो कि इन्होंने फोटो वगैरह शेयर किया था इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, एंड न्यूज़ भी यहाँ पर जो है हो चुकी है कि ट्रिची में यहाँ पर एथर का शोरूम अवेलेबल हो चुका है। जल्दी काफ़ी सारे सिटीज़ पर, काफ़ी सारे स्टेट में यहाँ पर जो है और भी कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मतलब जो अवेलेबल नहीं है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की न्यूज़ अपडेट्स के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे वीडियो का। तब तक के लिए गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।